मैथ्स इन इजी वे शैलेंद्र सिंह चानूनी आपका स्वागत है। 11 में भी हमको उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हमने इससे पहले कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो कैसे करें इसको, तरीका आपका बिल्कुल वही है, सरल है। आप देखिए, इस जो दे रखा है, जो हमको ज्ञात है, इसी में i की जगह माइनस i को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो रिप्लेसिंग i बाय माइनस i, मतलब i की जगह पर हमने माइनस i को रख लेना है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस i भी हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे x माइनस i हो जाएगा होल स्क्वायर, और 2x स्क्वायर प्लस 1 आप ऐसे लिख दीजिए, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 की आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कह देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक और दो को हम जब गुणा कर लेंगे आपस में, तो ए इधर इधर भी गुणा हो जाएगी, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी मल्टीप्लाई इधर इधर वालों की हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस आई बटे 2x स्क्वायर प्लस 1, ये तो है, और x एक्स स्क्वायर माइनस आई और इधर 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर ध्यान दे लो इधर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, इधर देखिए दोनों का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो हम लगा लो ऊपर, और अंदर अंदर वाले पदों को हम एक बार लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस आई 1 नहीं, ठीक है। इधर एक जैसे पद है तो क्या हो जाएगा, ए हर के होल स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर 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 वाले पदों में आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, माइनस, तो प्लस का हो जाएगा ये पद, यहाँ भी देखो वर्गांतर लग जाएगा, तो वर्गांतर लग जाएगा। अब आप देख लीजिए सवाल में आपने गलती क्या करी, x प्लस आई था x माइनस आई था, तो स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई ही रहेगा जो तुझे रखा है। अब इनका वर्गांतर करेंगे आप, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हुआ, ऊपर स्क्वायर दे रखा है, और ये 2x स्क्वायर क्या रखा, प्लस 1 प्लस 1 दे रखा है, और इसका होल स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू आप फिर रख दीजिए कितनी रखेंगे आप, माइनस 1, तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, यही आपको प्रूव करके लाना था। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये 12 है। इसमें देखिए जेड वन और जेड टू ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं आपको, ठीक है, और इन दोनों जेड वन और जेड टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, इन दोनों की सहायता से हमको क्या करना पड़ेगा, जेड वन और जेड टू अपान जेड वन बार, मतलब जेड वन का कॉन्जुगेट। अब क्या करना पड़ेगा, इस पूरे मान का आप जब इतना पूरा मान निकालेंगे तो उसका रियल पार्ट आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका रियल पार्ट, देखिए सबसे पहले इतनी वैल्यू आप निकालें अलग से, क्योंकि जेड वन जेड टू अपान जेड वन का कंजुगेट, तो जेड वन की कितनी दे रखी है, 2 माइनस आई, जेड टू कितनी है, माइनस 2 प्लस आई, और जेड वन का कंजुगेट लेंगे तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 प्लस आई, ठीक। अब जब तक इस नंबर का आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं दिखा देंगे, तब तक आप इतनी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई करिए, ए 2 माइनस आई, या आप माइनस कामन ले लीजिए तो डायरेक्ट फार्मूला भी लग जाएगा, 2 माइनस आई, और माइनस कामन लिया तो 2 माइनस आई अपान 2 प्लस आई, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 माइनस आई का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस आई। अब क्या करना है इसमें, इसके संयुग्मित क्या कर लेंगे, गुणाभाग कर लेंगे हम, तो इसके संयुग्मित जब गुणाभाग करेंगे तो या तो पहले इसका फार्मूला खोल दीजिए, हल कर लीजिए, फिर संयुग्मित गुणाभाग कर लेना, तो क्या बन जाएगा, 4
प्लस आई स्क्वायर और 4i, ये इतना पार्ट बन गया 2 प्लस आई। अब इसके से अब इसमें रखेंगे आप माइनस वन आई स्क्वायर की वैल्यू, तो माइनस वन रखेंगे तो 4 माइनस 1 माइनस 4i अपान 2 प्लस आई। अब इसके संयुग्मी से आप कंजुगेट से क्या कर दीजिए, परिमेयकरण कीजिए, तो क्या बनेगा, ऊपर तो क्या पद रह गया हमारा 3 माइनस 4i 2 माइनस आई अपान में देखिए 4 माइनस i² ये फार्मूला बन जाएगा, -3 इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो गुणा करिए तो गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 3i यहाँ करेंगे तो -4 4 दूनी 8 हो जाएंगे 8i माइनस के और माइनस प्लस 4i² अपान में देखिए -1 रखेंगे इसकी वैल्यू तो +1 हो जाएगा, कुल मिला के हमारे पास कितना नंबर बचा 6। यहाँ देखिए इसको रखेंगे माइनस, जैसे ही -1 रखेंगे -4 होंगे, 6 में से -4 घट जाएंगे तो बचेंगे 2, और ये इनको ऐड कर लीजिए तो माइनस के हो गए 11, ठीक है अपान 5। अब इन नंबर को क्या कर देना, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर दीजिए आप, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर 2/-5 हो जाएंगे और प्लस के 11/5 आ जाएंगे, ये आपका इतना नंबर बन के आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास नंबर Z1, Z2 और Z1 का कंजुगेट ये पूरा नंबर आया है -2/5 +11/5 इतना आया है। अब हमको इसका क्या लेना, रियल पार्ट लेना है, तो रियल पार्ट लेंगे तो आसानी है, इसमें रियल पार्ट हमको दिख रहा है, क्या रियल पार्ट है इसमें, तो रियल पार्ट का मतलब -2/5। इसी तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो इसी क्वेश्चन में सेकंड वाला पार्ट है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने के बाद में फिर क्या करेंगे, हमको इमेजिनरी चाहिए, काल्पनिक वाला भाग चाहिए, तो काल्पनिक वाला भाग हमको आसानी से मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको गुणांक भी निकालना है और मापांक भी निकालना है, मॉडुलस भी निकालना है, उसका आर्गुमेंट भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, संख्या को सबसे पहले आप a प्लस आई बी के रूप में या x प्लस आई वाई के रूप में आप चेंज कर लीजिए पहले। तो कैसे चेंज करेंगे, अब देखिए तरीका हमारा वही है कि है, हाँ जो हमारा हर दे रखा है इसके कंजुगेट से क्या करो, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ऊपर अंश में भी गुणा, अंश और हर में भी गुणा, तो इसका संयुग्मी भी क्या होगा, 1-3i का 1+3i और इधर 1+3i आपका हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करिए इनकी ऊपर वाले पदों की, तो पहले 1 से करेंगे तो 1+3i बन जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2i+6i² देखिए ऊपर जो मल्टीप्लाई की गई वो सही है, यहाँ पर 1-9i² हो जाएगा। अब जरा आप देखिए यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1i² का मान, तो 1 माइनस का रखेंगे तो -6 हो जाएंगे, ओके +5i हो जाएंगे, अपान में 1 ये भी रखेंगे तो -1+ आगे आप देख लीजिए i² = कितना रखा आपने, -1 रखा, अभी -5 यहाँ बच रहे हैं, +5i बच रहे हैं, और ये प्लस कितने बच रहे हैं, 10 बच रहे हैं, देखिए। अब आप क्या कॉमन करिए, आप अलग अलग कर दीजिए, 5/10 कर लीजिए माइनस का और प्लस के 5/10 कर लीजिए, इतना इसको कैंसिल करो 2, इसको कैंसिल करो 2, तो जेड इक्वल हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, -1/2 +1/2i यही मान हमको प्राप्त हुए। अब इसका हमको मॉडुलस भी निकालना है और इसका आर्गुमेंट भी निकालना है, मापांक भी निकालना है, तो मापांक निकालने के लिए आप देखिए जब इस संख्या का मापांक निकालेंगे मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट x² + y² आप कर देते नहीं कर देते हैं, तो -1/2 सीधे लिख दें 1/4 ऐसे ही, इधर देखिए ये संख्या आपकी, इसको x + iy हम अगर लिख दें तो x = इतना y = इतना, मॉडुलस वाला फार्मूला अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा दीजिए x² + y², तो हम डायरेक्ट इसके मान रख लीजिए, x का मान -1/2 है तो 1/4 हो जाएगा और ये भी 1/4, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, अंडर रूट
दो बटे चार, इसको सरल करिए कितना रह गया, एक वर्गमूल एक और इसका वर्गमूल अंडर रूट दो। ये संख्या क्या निकल गया, मापांक निकल गया। अब हमको क्या चाहिए संख्या का, गुणांक चाहिए। तो आप जानते हो पहले तो आप क्या निकालो, टेन अल्फा निकाल लो, ठीक है। क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे क्या होता है फार्मूला, वाई अपान एक्स। तो वाई की वैल्यू आपके पास देखिए कितनी है, वन बाई टू, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू। तो हमारे पास टोटल कितना प्राप्त हुआ, माइनस वन। और आप जानते हो माइनस का क्या लिखते हैं आप, ये बन किसका मान होता है, पाई बाई फोर का मान होता है। अब ये जो आपका ये कार्टिजन वाला जो पॉइंट है, जो बिंदु है, इसको देख लीजिए, ये बिंदु आपका किस चतुर्थांश में है, देखिए जो पॉइंट दे रखा आपका है माइनस वन बाई टू कामा वन बाई टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो एक क्वाड्रेंट आपका सेकेंड है, सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश जब होता है तो हम जब अर्गुमेंट निकालेंगे, ठीक है, ऑफ जेड, संख्या का हम क्या निकाल रहे हैं, अर्गुमेंट निकाल रहे हैं, कोणांक निकाल रहे हैं। तो क्या फार्मूला होता है, पाई माइनस, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है, तो संख्या का जब हम निकालते हैं, कोणांक निकालते हैं, तो क्या फार्मूला होता है, हमने लिखा था आपको, जब कोणांक निकालते हैं तो फार्मूला देखो, कोणांक होता है पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा आप देखिए अल्फा हमारे पास कितना है, पाई बाई फोर। तो पाई माइनस पाई बाई फोर, टोटल चार में से एक जाएगा कितना बचेगा, तो कोणांक भी निकल गया, ठीक है, अर्गुमेंट भी निकल गया, और जो मॉडुलस निकालना था वो भी निकल गया। क्वेश्चन में देखिए एक समय संख्या दे रखी है कितनी, और इसमें ये भी कहा इस क्वेश्चन में कि जो समित संख्या दे रखी है, इस समित संख्या में इसका संयुग्मी दे रखा है, संयुग्मी भी हमको दे रखा है सवाल में। तो संयुग्मी का सवाल में दे रखा है, लेकिन अगर इसी संख्या का संयुग्मी है, तो अभी हम मान चल रहे हैं कि ये जो संख्या दे रखी है इसका संयुग्मी नहीं है, अभी हम ये मान चल रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका संयुग्मी निकाल लेंगे, तो जो संख्या हमको दे रखी है उसका हम संयुग्मी वाले निकाल लेंगे। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो समझो पहले। तो पहले तो देखिए, चूंकि z इक्वल एक्स माइनस आई वाई, अगर ध्यान देंगे थ्री प्लस फाइव आई, अब इसका संयुग्मी देखिए आप कब ले लेंगे, जब i वाला मान इकट्ठा हो एक जगह और वास्तविक वाला अलग हो काल्पनिक अलग हो, तो पहले गुणा करनी पड़ेगी आपको, तो करिए गुणा, थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स, फाइव एक्स आई, इधर गुणा करिए थ्री आई वाई, ठीक है, थ्री वाई इंटू आई कर लिया, इधर गुणा करिए आप माइनस के फाइव बाई और आई स्क्वायर, आई स्क्वायर के आप वैल्यू रखें आप, तो माइनस हो जाएगा प्लस के फाइव आई हो जाएंगे, हाँ। तो इनको जरा पास पास लिख लीजिए, तीन एक्स प्लस फाइव बाई, ये पहला पद हो गया आपका वास्तविक वाला, इन दोनों में आई कॉमन कर लीजिए आप, प्लस पांच एक्स माइनस के थ्री वाई, आपने क्या किया था, आई स्क्वायर की वैल्यू आपने माइनस वन रख दी। अब ये संख्या हमको प्राप्त हो गई, अब इसका हम जो कंजुगेट है, जो संयुग्मी है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जेड का संयुग्मी, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो क्या हो जाएगा, जेड बार लिखते हैं इसको, और खाली क्या बदलना है, सिर्फ चिन्ह बदल देना इनका हमको। तो हम इसको लिख देंगे जेड बार इक्वल थ्री एक्स प्लस के फाइव बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा थ्री बाई, मिल गया आपको। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जेड बार की मान क्या दे रखा, ये तो है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इसका मान रख दीजिए यहाँ पर माइनस के सिक्स माइनस के ट्वेंटी फोर, माइनस के सिक्स माइनस के ट्वेंटी फोर आई, और इधर आप वैसे लिख दीजिए थ्री एक्स प्लस फाइव बाई माइनस के आई फाइव एक्स माइनस के थ्री वाई, ठीक। आप आगे दिखाओ भी, आपने क्या किया था क्वेश्चन के हिसाब से, जेड बार की वैल्यू कितनी दे रखी थी, माइनस सिक्स माइनस के ट्वेंटी फोर आई,
एट वैल्यू दे रखी थी वो हमने रख दिया। अब क्या करना है, कंपेयर कर लो रियल एंड इमेजिनरी, काल्पनिक और वास्तविक भावों का क्या कर लेंगे हम, तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो हम तुलना कर लेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। इनमें इसमें देखिए वैल्यू दे रखी है हमें, क्या क्या वैल्यू दे रखी है इसमें, इसमें x प्लस आई वाई का होल क्यूब है, u प्लस आई भी दे रखा है। जबकि हमको इसकी हेल्प लेकर के हमको क्या करना है, u अपान x प्लस v अपान y इजिकल टू 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हमको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल इसका मेथड है। पहले क्या करेंगे हम, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे, जिससे हमको u और v की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद में जो मान है हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो पहले तो जो दिया है पहले इसको लेके चलिए आप, x प्लस आई वाई होल क्यूब आई वी, इसका फार्मूला खोल दीजिए, ए प्लस बी की पावर थ्री वाला, x क्यूब हो जाएगा आई क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के थ्री एक्स आई वाई और x प्लस वाई, ये आपका फार्मूला खुल गया इसका, u प्लस आई भी आप ऐसे लिख दीजिए। आई की पावर थ्री की वैल्यू आप जानते कितना होता है, माइनस आई होता है, ठीक है, और इस थ्री एक्स आई वाई की मल्टीप्लाई करो आप, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई आई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर इंटू आई का भी स्क्वायर हो जाएगा, यू प्लस आई बी, ये आपका पद बन गया। एक्स पावर थ्री, अब देखिए हमको रियल वाले जो पार्ट है जिसमें आई नहीं है, अब जैसे आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे माइनस वन, तो ये माइनस का हो जाएगा आपका, एक बार हम उसको लिख देते हैं जिससे आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, थ्री एक्स स्क्वायर वाई आई, यहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो थ्री एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, u प्लस आई वी हो जाएगा, इतना बन गया तुम्हारे पास। इन दोनों को आप x पावर थ्री थ्री एक्स वाई स्क्वायर हमने साथ साथ लिख लिया, ये हमारे रियल पार्ट हो गए। इन दोनों में देखिए i कामन हो रहा है, तो हमने यहाँ से जब i कामन लेंगे तो ये प्लस का हमने पहले लिख दिया थ्री एक्स स्क्वायर वाई, और ये माइनस वाला वाई की क्यूब हमने बाद में लिख दिया, u प्लस आई वाई आई वी, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, तो इसमें सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इन पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेंगे, तो देखिए रियल u है इधर, रियल इतना है, तो u इज इक्वल टू x टू दी पावर थ्री थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट देखिए इधर इतना है तो इधर इतना है, तो v इजिकल टू हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई बाई क्यू। अब इसको जो हमें अपान जिस तरह से हमको प्रूव करके लाना है, तो इधर देखिए अपान में x है, तो हम यहाँ से x कामन लेके इसके अपान में भेज देते हैं, x कामन लिया एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री वाई स्क्वायर, इस x को इसके अपान कर दीजिए, तो u अपान x हो जाएगा एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन वन डाल दिया, ठीक, बिल्कुल यही ऐसा ही काम यहाँ करेंगे, तो यहाँ से हम वाई कामन ले लिया हमने, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वी के अपान में वाई हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन हमने डाल दिया टू, इक्वेशन वन और टू हमारे पास प्राप्त हो गई। अब देखिए प्लस करना है दोनों इक्वेशन को, तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन वन प्लस टू, इक्वेशन हम वन प्लस टू ऐड कर लेंगे दोनों को इक्वेशन को आपस में, तो ऐड करने पर देखिए इधर तो हमारे एलएचएस में क्या है, यू अपान एक्स, और प्लस आरएचएस में बी अपान वाई, इधर एलएचएस में ही दे रखा है, इनको ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री वाई स्क्वायर, और प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर,
क्यू अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई। देखिए एक्स स्क्वायर स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर माइनस के फोर वाई स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। क्यू अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई, आप फोर ले लीजिए कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से आपकी ए जो आपको प्रूव करना था आपका प्रूव हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 17 में देखिए क्या कर रखा है। अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा। अब देखिए वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सीधा सीधा तरीका क्या है, हमने जो अल्फा बीटा हमारे जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी थी हमने उनको अलग अलग मान लिया, अल्फा इजकल टू ए प्लस आई बी, बीटा इजकल टू एक्स प्लस आई वाई हमने मान लिया। क्वेश्चन में भी दे रखा कि बीटा का मॉडुलस कितना है वन, तो हमने बीटा का मॉडुलस निकाला इक्वल कर दिया वन, इसका स्क्वायर कर दिया तभी हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब देखिए हमको इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है, इतने टर्म की वैल्यू यही निकालनी है हमको। इसको निकालने के क्या करते हैं, आप जानते होगा जैसे जेड वन अपॉन जेड टू का होल मॉडुलस दे रखा हो तो उनके अलग अलग मॉडुलस के बराबर होता है, जैसे अलग अलग इसका अलग मॉडुलस निकालने ऊपर इसका मॉडुलस अपॉन में अलग निकालें तो इसके पूरे के होल के बराबर होता है। हमने भी ये किया, इसका मॉडुलस ऊपर दिखाया है, इस वाले टर्म का मॉडुलस नीचे दिखाया है। अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू रख देनी है आपको। जैसे बीटा माइनस अल्फा है तो आप क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू रखिए, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास देखिए एक्स प्लस आई वाई है और अल्फा की वैल्यू हमारे पास ए प्लस आई वी है, ठीक है, हमने दोनों वैल्यू रखनी। अपान में भी यही काम करना है हमको, वन माइनस अल्फा का कंजुगेट, अब इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा ए माइनस आई बी हो जाएगा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस आई वाई रख देंगे। अब इधर देखिए मॉडुलस अभी इसका बाद में लेंगे, जब हमको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेट हो जाएंगे तब लेंगे, अभी हमको ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब देखिए इसका हम रियल लिखें तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा, यहाँ दोनों आई कॉमन ले लीजिए तो वाई माइनस बी इसका काल्पनिक वाला हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यहाँ आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों पार्ट्स अलग अलग करने के लिए, मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स प्लस आई ए वाई, इसकी मल्टीप्लाई करी, अब इससे करिए माइनस आई बी एक्स, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आई स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर बी वाई क्या हो जाएगा बी वाई, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया इस तरह को। अभी इसको ब्रैकेट में क्लोज रखिए, अभी ब्रैकेट बाद में इसकी ओपन करेंगे। ऊपर देखिए रियल और इमेजिनरी दोनों कैसे हो गए सेपरेट हो गए, तो हम इसका मॉडुलस ले सकते हैं आसानी से, क्या एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अपान में देखिए अभी कुछ पदों को हम सेट करेंगे, जैसे वन माइनस, अब देखिए माइनस का ए एक्स होगा, पहले तो आप एक काम करिए ब्रैकेट में रखिए, अभी थोड़ा और इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों में देखिए आई कॉमन ले लीजिए आप, जैसे आप आई कॉमन लेंगे तो आई हमने लिया कॉमन और अंदर क्या हो गया ए वाई माइनस बी एक्स, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे प्लस हो जाएगा तो बी वाई ए इतना। अब देखिए ऊपर ये तो सेपरेट हो गया, इसका हमने मॉडुलस भी ले लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें फार्मूला खोल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के टू ए एक्स हो जाएगा फार्मूला, ऐसे यहाँ पर बाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू बी वाई हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से। यहाँ पर देखिए यहाँ तो पहले तो आप रियल वाला पार्ट लिखिए, तो वन माइनस ए एक्स, वन माइनस ए एक्स, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस का हो जाएगा माइनस का बी वाई, रियल पार्ट मिल गया, ए माइनस का आई और ब्रैकेट में ए वाई माइनस बी एक्स, ए इसका इमेजिनरी काल्पनिक वाला पार्ट हमको प्राप्त हुआ। अब इसका भी हम क्या ले सकते हैं, मॉडुलस ले सकते हैं कि हमको रियल अलग दिखाई दे रहा है और इमेजिनरी वाला पार्ट जो है हमको अलग दिखाई दे रहा है, वास्तविक और काल्पनिक अलग दिखाई दे रहे हैं। ऊपर देखिए इनको हल करते समय थोड़ा ध्यान देंगे, हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो हमने इनको साथ साथ लिख दिया, बचे हुए टर्म भी लिखिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का
टू ए एक्स माइनस का टू बी वाई हमने लिख दिया। अपान में देखिए हमारे पद कौन कौन से चल रहे हैं, ये दोनों ही तो हैं। अब इसका हम मॉडुलस ले रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ए वाई माइनस बी एक्स का भी होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, वन, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे वन, ये पार्ट हमको मिल गया वन, तो ये वन लिख दिया। प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स माइनस का टू बी वाई इतना मिल गया। अपान में हमने इसको लिख दिया, इसका फार्मूला खोलिए। अब इसका जब आप फार्मूला खोलेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी हमारी फार्मूले के हिसाब से, तो देखिए तो वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दुगना करेंगे तो माइनस का टू ए एक्स आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दुगना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, टू ए बी एक्स वाई वाला टर्म बन जाएगा टू ए बी एक्स वाई। अब इनका इनका करेंगे तो माइनस का टू बी वाई बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से टर्म बन जाएगा आपका दूसरा। अब इस फार्मूले को खोलिए आप, तो प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का टू ए बी और क्या बन जाएगा एक्स वाई, इतना पद हमारा बन जाएगा टू ए बी एक्स वाई। अब देखना जरा इसको ध्यान से, इसमें से कैंसिल हमारा कौन सा पद हो रहा है, प्लस का टू ए बी और माइनस का टू ए बी एक्स वाई, ये पद हमारा पूरा कैंसिल हो गया, इतना हमारा पद, इतना पद हमको प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो इसको जरा ध्यान समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका इजी है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसकी इसी इस पद की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर तो हमको जो लिखा है वो वैसे लिख देना है, पद हमारा पास जो है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के टू ए एक्स और माइनस के टू बी वाई इतना दे रखा है। अपान में देखिए अंडर रूट में जरा ध्यान से, क्या देखिए वन तो आपका ऐसे लिख दीजिए वन प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस ए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए ये वाले दोनों पद हैं, इन दोनों में ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, ठीक। ऐसे देखिए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, तो दोनों में बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लेना है, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पद हमारे पास बच गया। अब हमारे पास कौन से टर्म बचे हैं, माइनस का टू ए एक्स और माइनस का टू बी वाई बचा है, तो माइनस का टू ए एक्स बचा है माइनस का टू बी वाई बचा है, ये हमने लिख दिया, इतना हमारे पास आ गया। इक्वेशन नंबर वन का फिर से यूज करेंगे, वन का यूज जैसे करेंगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो पहले तो हम अंश लिख देते हैं ऊपर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स माइनस का टू बी वाई लिख दिया हमने। हर में आ जाओ, हर में लिखना है आपको, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी तो प्लस का ए स्क्वायर बचेगा, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी प्लस का बी स्क्वायर बचेगा माइनस का टू ए एक्स माइनस का टू बी वाई। हमने क्या किया आप इसको दिखा सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, इक्वेशन वन से हमने वैल्यू रख दी इसमें। अब देखिए ऊपर नीचे एक जैसा पूरा टर्म बन रहा है तो आपका पूरा कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन। आप इसकी वैल्यू निकाल रहे थे बीटा माइनस अल्फा अपान वन माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आप निकाली और वह वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। 18 में हमको क्या करना है, 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा है, कहा है इस इक्वेशन का हमको नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन याद कीजिए, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो मॉडुलस है तो उसका मॉडुलस ले लेंगे, तो अंडर रूट क्या होगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर तो यही होगा, और इसकी पावर भी कितनी लगी है, एक्स लगी है, तो ये टू हो जाएगा, टू की पावर वन बाई टू। यहाँ पर देखेंगे टू की पावर एक्स अपॉन टू, ठीक। अब देखिए इसका बेस कैसा है, सेम है, आधार समान है, तो घातों की तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयरिंग
powers on both sides. तो घातों की तुलना करेंगे तो x upon 2 is equal to x, तो x y 2 minus x, तो इसको देखिए कितना हो जाए x is equal to 2x, 2x minus x is equal to 0, तो x is equal to क्या आएगा 0 होगा। अब देखिए इसमें x is equal to 0 आया, जबकि पूछा गया इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, तो इस इक्वेशन का कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, तो लिख लेंगे यहां पर नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं, ठीक है, या नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या है, जीरो है, ऐसे भी कह सकते हैं उसको। 19 में देखिए क्या दे रखा है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको इतना प्रूफ करके दिखाना है, तो इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आइडेंटिटी है क्या उसको हम जानते हैं, वी नो दैट जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, जेड फोर, ऐसे ही सो ऑन और भी हो सकते हैं, इसका हम पूरे का अगर मॉडुलस निकालें तो इनके अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ये रूल होता है, तो ऐसे यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर क्या दे रखा है, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ई प्लस आई एफ, ऐसे इधर G प्लस आई एच, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, A प्लस आई बी, ठीक, तो हम इसका मॉडुलस ले सकते हैं अलग अलग, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले तो आप उसकी तरह से लिख दीजिए मॉडुलस, इतने दोनों तरफ ने मॉडुलस ले लिया इस तरह से, अब इनका अलग अलग मॉडुलस आप दिखाएं, A प्लस आई बी, सी प्लस आई डी इस फार्मूले से, और E प्लस आई एफ, ऐसे G प्लस आई एच, और इसका A प्लस आई बी, ठीक, अब इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मॉडुलस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, इसका E स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मॉडुलस हो जाएगा G स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में देखिए इसमें भी अंडर रूट, इसमें मॉडुलस ले लीजिएंगे तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं इसका ए स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस तरह से आप ने इस क्वेश्चन को, लेकिन इसके जरूरी क्या है, ये जो आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जैसे अभी हम कई आइडेंटिटी बता चुके हैं, ऐसी जैसे मान लिया जेड वन अपान जेड टू का मॉडुलस अभी पीछे बताया था, तो जेड वन अपान जेड टू अलग अलग मॉडुलस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जेड एन, तो अगर इसका मॉडुलस लेते हैं, ठीक, तो इनके अलग अलग मॉडुलस, जेड वन का, जेड टू का, जेड थ्री का, ऐसे जेड एन का, तो ये आइडेंटिटी आपको अगर पता है तो ये दिए क्वेश्चन को आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 20 में देखिए क्या करना है हमको, इसमें 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल पावर दे रखा है, m इजकल टू 1 दे रखा है, तो कहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य हो जाए, सही सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए m की कम से कम वैल्यू आपको पता नहीं है कितनी होगी, तो जो दिया है पहले लेके चलिए, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इक्वल 1, अब इसके संयुग्मित गुणा भाग कर देंगे, तो इसका संयुग्मित क्या होगा, 1 प्लस आई तो होगा
और इधर वन माइनस आई वन प्लस आई की होल पावर एम आप लगाए रखिए। ऊपर होल स्क्वायर वाला फार्मूला खुल जाएगा वन प्लस आई का, और नीचे वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एम, और इसका फार्मूला खोलें आप तो वन प्लस आई स्क्वायर प्लस के टू आई, और नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, माइनस वन तो प्लस हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर भी रखिए माइनस, ये कितने हो गए दो, होल पावर एम आ जाएंगे। अब इसमें ये वन से वन आपका कैंसिल आउट हो गया, अंदर टू आई अपॉन टू इक्वल वन, आई की पावर यहाँ कितना आ गया वन आ गया। अब देखिए वन लाने के लिए आप जानते हो क्या, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई होता, आई क्यूब की पावर फोर इक्वल टू कितना होता है वन। तो सबसे पहले आई की पावर फोर का ही मान वन होता है, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें तो आई की पावर हम आठ कर दें तो भी इसका मान वन होगा, ठीक है। ऐसे और देखना चाहे आई की पावर हम अगर 12 कर दें तो भी इसका मान वन होगा। तो यहाँ पर देखें m इजिकल टू फोर, यहाँ पर देखें m इजिकल टू एट, यहाँ पर देखें m इजिकल टू 12, ऐसे आप और भी वैल्यू आपकी बनती चली जाएंगी। तो सबसे कम नंबर क्या हुआ, सबसे कम m की वैल्यू क्या होगी फोर होगी, जिस पर इसका पूरे का मान क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। तो इसलिए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इज फोर, कितनी है फोर, m इक्वल टू आ जाएगा आपका फोर। इस तरह से आपका ये मान कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से एक्सरसाइज आपकी मिसलेनियस चैप्टर नंबर 5 आपकी कंप्लीट होती है। तो इसी तरह से लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम नई नई विधियों से नए नए तरीकों से आपको तरह तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हल करने के आसान तरीके हम आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।